एरियाज को वो कवर करें। लेकिन जैसा मैंने जो सवाल आपसे पूछा वो दरअसल मुकम्मल नहीं हुआ। सवाल ये था कि चलिए जिन जिन प्रोफेशंस को आप कह रहे हैं कि इन प्रोफेशंस से औरतों को रुकना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जब उन सारे प्रोफेशंस से औरतें हट जाएंगी, वो वर्कफोर्स वहां से हट जाएगा, तो आपको नहीं लगता है कि इकोनॉमी में उतना नुकसान होगा? अगर हम गौर करें इकॉनमी में क्या रिजल्ट्स पैदा होते हैं, आप इमेजिन करिए सर। वैसे भी आप देखेंगे कि अमेरिका जैसी कंट्री में भी 30% मर्द अनएम्प्लॉयड है, एक मिसाल है। लेकिन जब इकॉनमी में से इतनी सारी औरतें जो वर्कफोर्स को कंट्रीब्यूट कर रही है वो हट जाएंगी, तो रिजल्ट क्या आएगा आपको पता है? लेकिन वो रिजल्ट देखने से पहले हम ये देखेंगे कि जब वो वर्क कर रही है तो क्या रिजल्ट है। जब वो वर्क कर रही है ऑब्वियसली अब काम करना है, सुबह जाना है ऑफिस में, जॉब करना है या जो भी काम करना है, काम करके वापस आना है, फिर बच्चों को संभालना है, फिर अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी है। मर्दों पे तो नहीं होता, वो तो इमोशनली एक अलग तरह से ऊपर वाले ने बनाया है। औरतें इमोशनल होती है, वो उस चीज़ में होती भी है। अमंग द एबिलिटीज गिवन टू वुमेन, ये भी एक एबिलिटी है कि वो मल्टीटास्किंग आसानी से कर सकती हैं, जो मर्दों में डिफिकल्टी होती है। अब वो जब आकर ये एक साइकिल फॉलो करती है, इस साइकिल का रिजल्ट इन द लॉन्ग रन क्या होगा आप बताइए? डिप्रेस होगी, मतलब थक जाएगी बहुत ज्यादा वो। अब उसे कहा जाए कि बच्चे पैदा करो, एक के बाद दो नहीं जैसे कहते हैं, दो के बाद और नहीं, बल्कि पॉपुलेशन के ताल्लुक से तो मैं आप सबके सामने कुछ एक बहुत ही शॉकिंग पॉपुलेशन रखना चाहता हूं जो अभी हमारा पॉपुलेशन पर हम एक पूरा एक एपिसोड करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं चाहूंगा कि आप इस बात पर रोशनी डालें। तो यहां पर क्या होता है कि ऐसी औरतें जो वर्क का स्ट्रेस बर्दाश्त कर रही हैं, घर पे आके घर का स्ट्रेस बर्दाश्त कर रही हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स कई सारे फेस करने पड़ते हैं। उसका रिजल्ट ऑब्वियसली ये तो होता ही है, बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन ये रिजल्ट तो होता ही है कि और बच्चे पैदा करने तैयार नहीं होते। कई सारी कंट्रीज है जिनका रिप्लेसमेंट रेशियो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। मिसाल के तौर पे जितने लोग हैं, आज एक आदमी है एक औरत है, अब अगर अगली पीढ़ी में दो नहीं बचेंगे तो क्या होगा? कम अगर दो का एक बच्चा हुआ तो एक रिप्लेसमेंट कम हो गया, जो एक बहुत बड़ी स्टडी है, मैं बाद में बताऊंगा। जी हम उस पे आएंगे बाद में, जब आपने कहा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ सकते हैं कि वर्कफोर्स लॉन्ग रन में कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है। अगर ये मॉडल फॉलो हो रहा है जिसके अंदर औरतें वर्क भी करेगी, घर में आके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अदा करेगी, तो लॉन्ग रन में जो मैन पावर अवेलेबल है वो कम हो रहा है, बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। फिर से गौर करें कि कोई औरत काम कर रही है, बाहर जाके जॉब करके आई, वापस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की, अदा करने के बाद अब जो बच्चे पैदा करने वो तैयार तो नहीं हो रही है। जब तैयार नहीं हो रही है तो फ्यूचर की जनरेशन में मैन पावर जो अवेलेबल है, जो वर्कफोर्स अवेलेबल है, वो बढ़ गया या कम हो गया? इस लिहाज से कम हुआ, ऑब्वियसली कम हो गया। अब जब कम हुआ तो उसका रिजल्ट क्या है? आप देखिए कि जो मैन पावर की बात कर रहे थे वो मैन पावर कम हो गया, ये एक प्रॉब्लम है सोसाइटी में। हम ये देखते हैं कि जो मॉडल आपके सामने रखा जा रहा है इसके अंदर फॉर द टाइम बीइंग तो मैन पावर कम होगा, हो सकता है सारे वो अनएम्प्लॉयड मर्दों को जॉब्स मिल जाएंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन उस इकॉनमी में मैन पावर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जब वो औरत अपने घर की तरफ फोकस्ड है तो वो होम मेकर है, वो बच्चों की परवरिश और अच्छी कर पा रही है, बल्कि और बेटर टाइप का मैन पावर आएगा, क्योंकि वो बच्चे जो माँ के प्यार के साथ बड़े होंगे, ना कि डे केयर सेंटर में। डे केयर सेंटर में बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, क्या उनको माँ का प्यार मिल रहा है? जो अपब्रिंगिंग, इमोशनल सपोर्ट, डेवलपमेंट जो माँ कर पाती है वो क्या डे केयर सेंटर वाले करेंगे? तो हम देखते हैं जो क्रश वगैरह में बच्चों को डाल दिया जाता है, क्या वो लोग करेंगे? तो हम देखते हैं कि वो एक अच्छी जनरेशन बड़ी हो सकती है जो कल जाकर एक बेटर क्वालिटी मैन पावर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी टूवर्ड्स द इकॉनमी।